हो जाएगा। शराब से लदे वाहन सहित कारोबारी गिरफ्तार, धंधेबाज के खिलाफ कार्रवाई जारी। बेगूसराय उत्पाद पुलिस ने महाअभियान के दौरान भारी मात्रा में शराब से लदे पिकअप सहित एक कारोबारी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। यह कार्रवाई पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर जिले के साहेपुर कमाल थाना क्षेत्र अंतर्गत कुरहा ढाला स्थित NH 31 पर अपने कुशलता का परिचय देते हुए उपलब्धि पाई। इस संबंध में मध्य निषेध निरीक्षक प्राणेश कुमार ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार को मुख्यालय के निर्देशानुसार मध्य निषेध के तहत महाअभियान चलाया गया, जिस दौरान कई लोगों की गिरफ्तारी के साथ साथ साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के कुरहा ढाला स्थित NH 31 पर एक कारोबारी को वाहन सहित लगभग 70 कार्टून विदेशी शराब बरामद किए गए। उत्पाद निरीक्षक ने बताया कि कैरेट की आड़ में शराब को छुपाकर ले जाया जा रहा था, जिसे तलाशी के दौरान बरामद किया गया है। उन्होंने बताया कि चिन्हित कारोबारी की पहचान समस्तीपुर जिले के मरवा निवासी के रूप में हुई है, लेकिन आरोपी पुलिस को लगातार झांसे देने का प्रयास कर रहा है, बावजूद इसके उसकी छानबीन की जा रही है। बेगूसराय से अवधेश कुमार की रिपोर्ट। की गई है और क्या बरामदगी हुई है? देखिए, कल जो है हम लोग का मुख्यालय पटना के निर्देशानुसार कल महाअभियान था एक्साइज विभाग बेगूसराय के द्वारा। महाअभियान के में हम लोग सप्लाई सेक्टर पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, जो निर्देश दिया गया है ऊपर से। इसी सप्लाई सेक्टर को सप्लाई करने वाले कारोबारियों को पकड़ने तो महाअभियान में कल एक पिकअप पकड़ाया है, जिसमें लगभग 70-73 कार्टून बरामद हुआ, लगभग 600 लीटर से ज़्यादा शराब भी बरामद हुआ। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हुई है और इसके अलावा और 4 व्यक्तियों को भी गिरफ्तारी हुई है शराब में, अलग अलग क्षेत्रों से। 6 पीने वालों को भी पकड़ा गया है अभियान के तहत, जिसमें कि कोर्ट के भी 2 मुंशी पकड़े गए और एक सिलेंडर वाला जो होता है एजेंसी, उसका कोई मैनेजर है, उसको भी पकड़ा गया। इस तरह से कार्रवाई उत्पाद विभाग द्वारा की जा रही है। इन सबों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जा रही है सर? जो भी लोग पकड़े गए हैं, इन लोगों के खिलाफ जो है सुसंगत धारा के तहत अभियोग दर्ज करके न्यायालय में फॉरवर्डिंग किया जा रहा है सभी लोगों को। तस्कर की गिरफ्तारी हो पाई या नहीं सर? जो गाड़ी चलाने वाला जो है वो तस्कर ही था, उसकी गिरफ्तारी एक हो पाई है, आगे छानबीन जारी है।